कांग्रेस पार्टी में विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट के लिए पहली सूची जारी कर दी गई है। वहीं पहली सूची जारी होने के बाद में कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बता दें कि कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही पहली सूची जारी की है, जिसको लेकर कि अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। वहीं प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद बगावत के सुर भी तेज हो चुके हैं। ग्वालियर में भी टिकट नहीं मिलने से यूथ कांग्रेस के पूर्व इलेक्ट्रोड प्रेसिडेंट युवा नेता केदार सिंह कंसाना ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। केदार कंसाना ने दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने पार्टी द्वारा वर्तमान में घोषित किए गए प्रत्याशी पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सर्वे किया उन्होंने ही सर्वे दबा दिए हैं। बता दें कि ग्वालियर ग्रामीण से प्रदेश के ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे भारत सिंह कुशवाहा को बीजेपी ने टिकट दिया है और कांग्रेस ने रविवार को जारी लिस्ट में यहां से साहब सिंह गुर्जर को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी का निर्णय शाम तक मैं कर दूंगा, आप सारे प्रेस मीडिया जितने भी बंधु उन सबको बताऊंगा कि किस पार्टी से लड़ रहा हूँ, पर शाम तक मैं क्लियर कर। क्या आपने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है? जी, मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा। क्या वजह रही है, क्या कारण? वजह ये रही है कि मैं छात्र राजनीति से शुरुआत की थी। मैं स्कूल हरिदर सर स्कूल का प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद NSUI यूथ कांग्रेस कांग्रेस पार्टी में पिछले 22 साल से लगातार वर्क कर रहे थे वफादारी से। 2013 में टिकट मांगा, 18 में मांगा, 23 में मांगा। जब पार्टी को 15 साल टिकट मांगते हुए के समझ में नहीं आया कि कौन वर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा, पार्टी वो टिकट नहीं दे पाई। जब सिंधिया जी पार्टी छोड़ के गए, हम उसमें भी नहीं गए, हमारा नुकसान हुआ, जैसा कि मीडिया सबको पता है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद पार्टी में नहीं गए, पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी का दामन थामे रहे। इतने सब के बावजूद भी यदि पार्टी को हमारा काम हमारा वफादारी वो समझ में नहीं आ रही, तो फिर अब पार्टी में रहना हमारे लिए उचित नहीं था, इसलिए इस्तीफा।